है नहीं जिससे मैंने शादी की थी। अगर मुझे सब कुछ पता होता तो मैं कभी शादी तुम्हारा भी रहेगा या नहीं इस बात की अब कोई जमानत। लड़की अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल महरूम की आने वाली एपिसोड में हम लोग देखेंगे मीरज़ाए जो कि होने लगा है कामयाब अपनी साजिशों में। वो शादी के स्टार्ट ही में कामयाब हो गया है उमेर और ज़ायरा के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने में। उमेर को नामुनासिब सा लगने लगा है साद और ज़ायरा का मिलना। कहती है ज़ायरा अपनी सास से कि मुझे नहीं पता था कि जिस उमेर से मैं शादी कर रही हूँ वो इस हद तक शकी होगा, वो मुझ पर शक करने लगा है। मुझे पता होता कि उमेर इस किस्म का है तो मैं उससे शादी ही ना करती। होता है यूँ जब उमेर जाता है ज़ायरा के घर ज़ायरा को लेने के लिए तो साद जो कि वहाँ मौजूद होता है वो उसके कमरे में आ जाता है। साद को वहाँ देखकर उमेर को बहुत अजीब लगता है और वो उसे कहता है कि तुम यहाँ कमरे में क्या कर रहे हो। साद उससे पूछता है कि तुम कब आए तो उमेर उसे कहता है कि जो मैं पूछ रहा हूँ उस बात का जवाब दो। उमेर का रवैया इतना तल्ख होता है कि ज़ायरा और साद दोनों ही को बहुत अजीब लगता है और उमेर ज़ायरा को लेकर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में ज़ायरा उमेर से कहती है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। उमेर उसे कहता है कि जब मैंने मना किया था कि साद से नहीं मिलना तो क्यों आया वो वहाँ। तो ज़ायरा उमेर से कहती है कि इस बात की एक्सप्लेनेशन दे, मैं अपनी इंसल्ट समझती हूँ, और दोनों का मूड इंतहाई खराब हो जाता है। मजीद हम देखते हैं कि जोया आती है मीर जाहिद के घर और मीर जाहिद की तस्वीर को देख के उसको सूझती है शरारत और वो मीर जाहिद की तस्वीर के ऊपर कर देती है मेकअप। उसका मकसद ये होता है कि इस शरारत का इल्जाम डल जाएगा ज़ायरा के ऊपर। मीर जाहिद जब वो तस्वीर को देखता है तो उसका मूड इंतहाई खराब होता है और वो इसका इल्जाम लगा देता है अपनी बीवी के ऊपर कि तुमने ये सब क्यों किया। ज़ायरा जो वहाँ से गुजर रही होती है वो ये तस्वीर देख कर हंसने लगती है, जिस पर मीर जाहिद को बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ता है ज़ायरा पर भी और उसे कहते हैं कि चुप कर जा बदतमीज लड़की और उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं कि उसकी सास उसे बचा लेती है। लेकिन मीर जाहिद का ये रवैया भी ज़ायरा को बहुत ज्यादा डिप्रेस करता है। इस तरफ मीर जाहिद की बहन मीर जाहिद से कहती है कि तुम्हारा बेटा अब तुम्हारा नहीं रहेगा क्योंकि वो जिस लड़की के चक्कर में फंस गया है वो उसे तुम्हारी कोई बात मानने ही नहीं देगी। जिस पर मीर जाहिद बड़े कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि उमेर मेरा बेटा है और मेरी ही बात मानेगा। मजीद हम देखेंगे कि जब ज़ायरा का गुस्सा ठंडा होगा तो वो जाएगी उमेर के पास। उमेर जो कि ये सब नहीं करना चाह रहा होता लेकिन क्योंकि उसके बाप ने उसके दिमाग में ऐसी बातें डाली होती हैं कि वो एकदम से भड़क जाता है। लेकिन उमेर बहुत ज्यादा परेशान और शर्मिंदा होता है ज़ायरा के आगे। तो ज़ायरा उमेर को परेशान देखकर उससे सॉरी करती है तो उमेर उससे पूछता है कि क्या तुमने कोई गलती की है, जिस पर ज़ायरा जवाब देती है कि नहीं। तो उमेर उससे कहता है कि सॉरी बोलकर अपना सॉरी जाया क्यों कर रही हो। ज़ायरा उससे कहती है कि मैं तुम्हारे और अपने रिश्ते को बचाना चाहती हूँ और तुम्हारी परेशानी को दूर करना चाहती हूँ। और यूँ उमेर और ज़ायरा की तो दोस्ती हो जाती है और फिर उमेर जाता है साद के पास और उससे सॉरी कहता है और उससे कहता है कि शादी के कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसे हम तीसरे बंदे से डिस्कस नहीं कर सकते, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी परेशानी को और मेरी मजबूरी को समझोगे। तो नाज़रीन क्या उमेर और ज़ायरा का रिश्ता हो पाएगा मजबूत? आपका इस बारे में क्या ख्याल है कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर दीजिएगा। तो देखते रहें रिपोर्टर पॉइंट।